समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम अभिनंदन जनाए पुणे आजिकार ए जूम मीटिंग को पुणे थरे म स्वागत करू अछि आ विशेष करे ए जूम मीटिंग रा आयोजक मान को विशेष करे हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे जे आपन मान कर माने प्रचेष्टा रे ए कार्यक्रम चली अछि म जाने नै केते दिन हला किंतु म विश्वास करू अछि जे ए जूम मीटिंग माध्यम दे अनेक प्रभु दास आसे प्रभु वाक्य प्रचार कर प्रभु मत आज सुजोग दे अच्छा गत काली पुणी आज आपण मान सम्मुखें एकत्र प्रभु वाक्य रो आपण मान कि उत्साहित करने तेणुकर मु जीवित पिता परमेश्वर को विशेष धन्यवाद दौ संगे जिते जन जूम रे जड़ित अच्छा जूम मीटिंग रे जिते जन उपस्थित अच्छा प्रत्येक को हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करूछे जेपरिक आम गत काली ठारो प्रभु जीशु ख्रीष्ट ऐश्वरिकता बा ईश्वरता विषय को नहीं आम चिंता कर आसुअ विषय नहीं मुझे कही अच्छे आम चारोटी विषय को विशेषकर ध्यान करूछ चारोटी विषय प्रमाण करता है प्रभु जीशु ईश्वर अटंती प्रथम विषय है जे तई जो समस्त नाम व्यवहार करा जाए जो नाम गुड़िक व्यवहार करा जाए से नाम गुड़िक प्रमाण करिथाय जे से ईश्वर अटंते पुणी तांकर जो समस्त ऐश्वर्य गुण रही अच्छे से समस्त ऐश्वर्य गुण हेतु मध्य ईश्वर बोली जानी था आउर ऐश्वर्य गुण माने प्रमाण करिथाय जे से संपूर्ण भाव रे ईश्वर अटंते पुणी ऐश्वर्य कार्य जो कार्य के केवल ईश्वर करते से ही कार्य से करूबार हेतु आम ईश्वर बोली मान जानी था पुणी से लोक मानी स्वर्गीय दूत मध्य उपासना आउ आराधना पाई था तेणुक से ईश्वर अटंते तो आम जमी गत काली आम शुणला कतोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आम शुणीअ जे तांको ईश्वर बोली संबोधन करा जाइछे तांको नाम विषय आम जो कहले तांको ईश्वर बोली संबोधन करा जाइछे आओ विशेष करी थोमा जे के तांको न देखिले विश्वास करिबि नाइ बोली कहले से व्यक्ति स्वयं तांको मोहर प्रभु मोहर ईश्वर बोली से संबोधन कले आओ सेटा जोहन लिखित सुसमाचार तार 11 माने तार 20 अध्याय 25 रु 28 पद रे आमे से कथा देखि अछो आ स्पष्ट भाव आम तांको अनेक स्थान रे ईश्वर बोली संबोधन करा जिबार विषय एवरी पुस्तक रे पुणे प्रेरित पाउल तीतस 2:13 रे से कथा कहते तांको प्रभु बोली संबोधन करा जाय अछि आ से प्रकृत रे प्रभु अटंते आ से कथा दाऊद निजे गीत संगीत रे मध्ये प्रकाश करतिले तांको सन ऑफ गॉड बा ईश्वरंकर पुत्र बोली माने नामांकित करा जाय अछि जेमति गत काली मु कहतले जिहुदीय मानकर बुझिबा अनुसार जेतेले सन ऑफ गॉड बोली बा सन ऑफ मैन बोली कहा जाउथिला से इन द ऑर्डर ऑफ लाइक माने गोटे उदाहरण स्वरूप मु कहबा पई चाहे इन द ऑर्डर ऑफ मल्किसेदक जेमति प्रभु जीशु ख्रीष्ट माने अमर महाजाजक होई अछंती ठीक से प्रकारे इन द ऑर्डर ऑफ गॉड माने से ईश्वरंकर परी ईश्वरंकर सदृश से माने अटंती सेटा तांकर इक्वालिटी आ तांकर आइडेंटिटी को प्रकाश करिताए जे से ईश्वरंकर सहित समान अटंती आ से ईश्वरंकर सहित परिचित अटंती से स्वयं ईश्वर अटंती से कथा आमे देखि अछु पुणे मो केतेक विषय आपन मान को कहि अछे जे तांकर माने ऐश्वर्य गुण जहाँ रही अच्छे ईश्वरता को प्रमाण कर अनंत कालीन आम से विषय जो पढ़ू जे से अनंत कालीन से अनादि काल रु अनंत काल पर्यंत अच्छा से अक्षय आदि और अंत बोली विषय प्रकाश करा जाए से पुणी माने सबु जगार उपस्थित अच्छे आई कथा आम जानी जे प्रभु जीशु कहले जे देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मुतमान को संगे अच्छे पुणी सेटा मातलिक सुसमाचार तार 28 अध्याय 20 पद से कथा लेखा अच्छे पुणी आम
देखो जे से आपनार शिष्य मानको मध्ये कहिले जो समय रे मंडली रो विषय कहिले माथेलिक सुसमाचार 18 रो 20 रे जो स्थान रे दुई बा तीन जना एकत्र होवंते से स्थान रे मोर उपस्थिति रही अछि। पुणी आमे देखो जे से सर्वज्ञ समस्त विश्व से जानंति जेमते मु गत काल काली कहिले हि नोस द एक्चुअल एंड पॉसिबल जहां सत्य जहां निश्चित से विश्व से जानंते तत्संगे जहां संभाव्य जहां घटिबा पय जाउ अछि घटि पारे सेई कथा मध्ये से जानंते से अतीत को जानंते से वर्तमान को जानंते से भविष्य को जानंते आ पुणे से लोकंकर मनर कथा जानी परंते सेटा होचे विशेष गुरुत्वपूर्ण कथा जे हमर अंतर रो कथा जानिबार परमेश्वर से। पुणे आमे देख अन्य विषय आमे चिंता कला जे से सर्वशक्तिमान आमे तांकर विषय पुणे शिक्षा कला जे से सर्वशक्तिमान अटंति से समस्त विषय करि पारंते केवल गोटे विषय को छाड़े जहाँ हला के पाप इन कंट्ररी टू हिज नेचर जहाँ किछि तांकर ऐश्वर्य गुण विरुद्ध रे अछि से समस्त विषय को छाड़ी से समस्त विषय करि पारंते आ से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंते। आमे जानो जे माने पवन तांकर कथा माने समुद्र तांकर कथा माने आउ एपरि के असुचि आत्मा गुड़ी को सुधा तांकर माने कथा से माने मानंते। पुनि से होचंती अपरिवर्तनीय प्रभु जीशु अपरिवर्तनीय अटंते आउ से कथा गला कि तीन रो छह रे लेखा अछि याकूब 1:17 रे पुनि एब्री 13:8 रे से कथा प्रकाश करा जाय अछि। पुनि से कहले मु पथ सत्य ओ जीवन प्रभु जीशु से जीवन आ से जीवन दाता अटंते आउ जेमते के जोहन 11 अध्याय से कहले मु पुनरुत्थान ओ जीवन आउ से जीवन दायक अटंते से जीवन तांक ठारे जीवन अछि आ से स्वयं अमर जीवन अटंते तांक ठारे जीवन थिला आ से जीवन मनुष्य मान पर ज्योति बोले जोहन 1 अध्याय 3 आ 4 पद रे स्पष्ट भाव रे लेखा जाय अछि। तो आज आमे आउ दुईटी विषय जोटा के रही अछि से बाकी दुईटी विषय को आमे चिंता करबा आउ से तृतीय विषय होची जे हिच वर्क्स अफर्म्स हिच डीटी माने तांकर कार्य तांकर ईश्वरता को माने प्रमाण करी थाए आउ जोटा केवल ईश्वर करनते सेई कार्य मध्ये से करी अछंते आउ तेनु करे से ईश्वर थिवार हेतु एका सेई ऐश्वर्य कार्य से करी अछंते तांको आमे ईश्वर बनाउ नाहु कि आमे तांको ईश्वर बोली नामांकित करू नाहु जेहेतु से ईश्वर अटंते तेनु करे से ईश्वरीय कार्य करते से ईश्वर होइथिबार हेतु ईश्वरीय कार्य करते आउ जेतेबेले आमे डेफिनेशन ऑफ गॉड कहो सेटा होचि बहुत यूनिक विषय आउ आमे वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द वर्ड गॉड और वी हैव नो वर्ड्स टू टेल अबाउट वी हैव नो सफिशिएंट वर्ड टू डिस्क्राइब हु गॉड इज बट व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट गॉड बा आमे ईश्वरक विषय रे जहां बुझी थाओ देन से होचंती सृष्टिकर्ता से होचंती रक्षाकर्ता से होचंती माने प्रतिपालक आउ से समस्त विषय योजना करिवार परमेश्वर। पुणे आमे जो समस्त ईश्वरीय गुण देखिलो से अनंत कालीन अटंते आउ से पुणे सर्वज्ञ सर्वदर्शी सर्वव्यापी आउ जहाँ ठारे धार्मिकता अछि जे धर्ममय ए समस्त अनेक तांकर गुण जहाँ रही अछि तांको आमे ईश्वर कहिथा। तो आमे जेतेबेले प्रभु जीशु कृष्णकर विषय देखो जे तांकर प्रथम ऐश्वर्य कार्य होची जे से सृष्टि करि अछन्ते से सृष्टि करितिबार हेतु से ईश्वर अटन्ते आउ से कथा आमे स्पष्ट भाव रे जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार 3-4 पद रे से कथा पढु अछो आउ तै रे प्रकार लेखा अछि आमे जानु जे जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद रे लेखा अछि आद्य रे वाक्य तिले वाक्य ईश्वरक संगरे तिले से वाक्य ईश्वर तिले पुणे दुई पद रे लेखा अछि से आद्य रे ईश्वरक सहित तिले 3 पद रे ताहांक द्वारा समस्त सृष्ट हेला आउ जे समस्त सृष्ट होइ अछि सेति मध्यर गोटिए सुद्धा ताहांक बिना सृष्ट होइ नाहि सेटा आमे स्पष्ट भाव रे देखु अछु जे ताहांक द्वारा समस्त विश्व सृष्ट हेला आउ ताहांक बिना कोनसे विश्व सृष्ट होइ नाहि। पुणे
आम देख कलोसियम तार एक अध्याय 16 पद तहरे स्पष्ट भाव लेखा अच्छी कारण दृश्य कि अदृश्य स्वर्ग रे ओ पृथ्वी रे समस्त विषय ताहांक द्वारा सृष्ट हेला सिंहासन के प्रभुत्व कि अधिपत्य कि कर्तापण समस्त ताहांक द्वारा सृष्ट हेला ओ ताहांक निमन्ते सृष्ट होइ अछि बाय हिम फॉर हिम थ्रू हिम से निजे होचंते मीन्स ऑफ क्रिएशन से निजे होचंते सोर्स ऑफ क्रिएशन आ समस्त सृष्टि ताहांक निमन्ते होइ अछि आ समस्त आ से सृष्टिकर्ता हेतिबार तो आमे जानु जे से ईश्वर अटंती प्रत्येक विषय रो से सृष्टिकर्ता अटंती खाली आमे तांको नामांकित करु नाम मात्र ए कार्य अद्भुत कार्य से करि अछंती समस्त विश्व रो से समस्त सृष्टि करि अछंती स्वर्ग आ पृथ्वी रे थिबा प्रत्येक विषय को से सृष्टि करि अछंती से आपनकर सृष्टिकर्ता अटंती खाली आम प्रभु बोली मान्य कले हम ना कि आम सृष्टिकर्ता हृदय ग्रहण करदय कृतज्ञता जब ज्ञापन करवा आपणा को समर्पण करवा आम से जाणी सृष्टिकर्ता भाव तो सहीटा आम प्रत्येक निम्ते लाभदायक हे खाली से प्रत्येक विषय सृष्टि कर मात्र से समस्त विषय अस्तित्व ताहांक ठारे अछि माने ही इज द सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग समस्त विषय रो से तत्व नियंति समस्त विषय को से सुरक्षित करी रखी अछंति जोटा के से कोलोसिय 1 अध्याय 17 पद रे लेखा अछि समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंते ओ ताहांक ठारे समस्त विषय अस्तित्व अछि समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंते दैट स्पीक्स अबाउट द प्री एक्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट दैट मींस ही एक्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन माने बिफोर द बिगिनिंग ऑफ टाइम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स द बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मास बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कंटिन्यूम जहां हम देखो अछो समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंते आ से जे खाली 2000 वर्ष पूर्वर जो मनुष्य रूप धारण करके आसिले आरंभ नुहे कि उत्पत्ति नुहे मात्र से अनादि काल रु अछंते से कथा आम जानु पुणे स्थान लेखा अच्छे समस्त विश्वर अस्तित्व ताहांक ठारे अच्छे पुणे आउ गोटे पद जोटा के एवरी तार एक अध्याय 3 पद से ताहांक महिमार प्रभा और ताहांक तत्वर प्रतिमूर्ति से अपना शक्ति युक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय धारण करते समस्त विषय अस्तित्व ख्रीष्ट अच्छे जीशु अच्छे जीशु थिबा हेतु आज आम बंची अच्छु जीशु थिबा हेतु आज आम जीवित अच्छ आम सुरक्षित जो कोविड जो आम शुणुचु अनेक लोक मान मरी जाऊंट अनेक प्राणी मान मरी जाऊंट प्राकृतिक विपर्यय हेतु अनेक विषय मान ध्वंस हो जा माने क्षय क्षति घटू अछि किंतु आज आम जीवित अच्छु केवल से माने प्रभु जीशु थिबा हेतु तांकर अनुग्रह रु आम आज बंची अच्छु तांक ठारे आमर अस्तित्व अच्छे आम बंचीचु केवल तांक ठारे आउ कौन ताहांक वाक्य द्वारा शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय से धारण करते से समस्त विषय को धरी रखी अच्छा निज हाथ में धरी रखी अच्छा जमती जनलिप्त सुसमाचार 10 अध्याय स्पष्ट भाव मानते कहती जे जो मान को मत दिया जाई अच्छे मो से मान को धरी रखी अच्छे माने एज द गुड शेफर्ड ही हैज केप्ट दैट नोबडी कैन स्नैच आउट फ्रॉम हिज हैंड नोबडी कैन स्नैच यू आउट फ्रॉम हिज हैंड वी आर सिक्योर इन हिज हैंड दैट स्पीक्स अबाउट द सस्टेनिंग वर्क ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट माने से हम प्रत्येक को माने से सुरक्षित रखी अच्छा आम तर आम अस्तित्व अच्छे पुणी से आम प्रत्येक को धरी रखी अच्छा माने प्रथम विषय आम देखला जे हिज द क्रिएटर द्वितीय विषय आम देखला जे हिज आवर सस्टेनर माने से आमको सुरक्षित रखते खाली सृष्टि कर लोक कहते वर्तमान जुगरे जे परमेश्वर सृष्टि कले सृष्टि प्रत्येक विषय से कले किंतु सृष्टि कला परे समस्त विषय को से छाड़ी दे अछंती आ कोनसी विषय तांकर नियंत्रण रे नाही ए प्रकार अनेक लोक माने मत दे थांते कथा कहि थांते जे माने
माने विज्ञान को आ बाइबल को कंपेयर करबा पई चाहंती से माने से कथा कहंते, किंतु हमें जानो जे आज प्रत्येक विश्व सुरक्षित अछे ईश्वरक हेतु आउ से प्रभु जीशु ख्रीष्टक हेतु तांको ठारे आमे आमर अस्तित्व अछे आमे तांको ठारे सुरक्षित अछो। खाली सेति कि नुहे कि इज ऑल्सो द फॉरगिवर ऑफ सिन, ईश्वर जेमिति पाप क्षमा करंती ठीक से प्रकार स्वयं प्रभु जीशु आम प्रत्येक पाप क्षमा करते। आईटा श्री मार्क लिखित सुसमाचार तार दुई अध्याय स्पष्ट भाव देखुअ से कथा लेखा अच्छे दुई अध्याय जो स्थान रे प्रभु जीशु कहले जे वस्त्र तोहर पाप सब क्षमा करागला, पांच पदरे लेखा अच्छे मार्क दुई अध्याय पांच पद। जीशु सेमानकर विश्वास देखी से पक्षाघत रोगी की कहले बस तुम्हर पाप सब क्षमा करागला। आउ जते बेले प्रभु जीशु से कथा कहले से समय रे शास्त्री माने से स्थान रे उपस्थित थिले, आउ शास्त्री माने की प्रकार रिएक्शन करू अछंती से विषय को आमे ध्यान करिबा। आउ ताहा लेखा अछे छ पद रे किंतु शास्त्री मानक मध्य रो केतेक से स्थान रे बसी अपना अपना मन रे एहा तर्क वितर्क करूतिले ए लोक काहे कि एपरि करूअछे से ईश्वर निंदा करूअछे, केवल जनक बिना अर्थात ईश्वर को बिना आउ किए पाप क्षमा करि पारे। मोर प्रिय माने पाप क्षमा करिबार अधिकार जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर थिला से दिन से स्थान रे से निजे प्रमाण कले। निश्चित भाव रे लोक माने तांको हटरे बुहाई तांको आनी थिले, किंतु से समय रे प्रभु जीशु से व्यक्तिर माने रोग को माने शारीरिक रोग को देखि नथिले, मात्र से समय तार आत्मिक रोग तार जीवन जहा थिला से तार आत्मिक रोग को प्रथमे सुस्थ कले तापर ताको शारीरिक सुस्थता देथिले। जे पर्यंत जणकर आत्मिक रोग सुस्थ होई नाय से पर्यंत से ईश्वरक सहित सुसंपर्क स्थापन करि पारिबो नाय। मु जाने नाय जे ए स्थान रे जो माने माने ए मीटिंग को अटेंड करू अछंती मोर विश्वास समस्त प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत परित्राण करता पे ग्रहण करी अछंते, किंतु जदि नाहंते ताहाले ए कथा हमकु जानि रखिबार अछि। बाइबल रे लेखा अछि जे धार्मिक केही नाय जणे सुद्धा नाय समस्त त पाप करी अछंते, पुनी ईश्वरकर गौरव रो उणा पड़ी अछंते। पुने प्रभुकर वाक्य रे लेखा अछि जे पापर वेतन मृत्यु, पाप हेतु मनुष्य जीवन रे मृत्यु आसे, आउ से मृत्यु बाइबल रे तीन प्रकार रे प्रकाश करा जे अछि, आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु पुने द्वितीय मृत्यु। माने आत्मिक मृत्यु मनुष्य जो दिन पाप कला से ईश्वर को ठारो विच्छिन्न हला, हि ब्रोक अप हिज रिलेशनशिप विथ गॉड, हि वाज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। खाली सेती के नुहे किंतु बाइबल रे लेखा अछि शारीरिक मृत्यु विषय रे याकूब तार दुई अध्याय छब्बीस पद रे लेखा अछि आत्मा बिना शरीर मृत। द मोमेंट समबडी माने डाइज हिज बॉडी एंड स्पिरिट आर सेपरेटेड, माने आत्मा बिना जने शारीरिक भाव रे मृत्यु वर्ण करि थाए। आ रुतक विवरणी जदि हम देखिबार उत्तर विवरणी तार माने एक अध्याय सोलह सत्र पद से स्थान रे स्पष्ट भाव रे हम जानो जे जते बेले जने शारीरिक भाव रे मृत्यु वर्ण करि थाए से समय रे से निजर परिवार रो से भिन्न हे थाए अलगा हे थाए, माने जने निज रिलेटिव्स मानक ठारो परिवार ठारो से भिन्न होता है, सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। जते निज लोक हेले मध्ये आमे तांको घरे रखी पारि नथा, किंतु बाइबल रे आगोटे कथा लेखा अछि प्रकाशित वाक्य तार 20 अध्याय 14 पुनि 15 पद रे जार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होइतिबार देखा न गला ताकु अग्निमय हृदय रे निकिप्त करा गला, एहि मृत्यु अर्थात द्वितीय मृत्यु जाके आम साधारण अर्थ रे कहि था नर्क बोले नर्कर जंत्रणा जो स्थान रे के दंतर किड़ी मिड़ी अच्छे जो स्थान को जने गले आउ सेटा मन परिवर्तन रा स्थान नुहे। केतेक लोक चिंता करंती विचार करंती जे जने मरी गला परे आमे जदि दशा क्रिया करिबा कि अबा किछि
ଯେମିତି ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯେ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଲଜେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମେସନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଲା ବିଶେଷ କରି ସେ 16th-15th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମାନେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିପତ୍ର କିଣୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ ବେସିଲିକା ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ ମାନେ ଯଦି ମୁକ୍ତିପତ୍ର ଜଣେ କିଣିବ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ମରିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମରିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି ଲୋକଲିପ୍ତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧନୀ ଆଉ ଲାଜାରର କଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ କି ଲାଜାର ଆଉ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ନିଆଁରେ କଳବଳ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହ୍ମ ଦୟାକରି ସେ ଲାଜାରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ସେଇଟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛି ଯେ ମୋର ଆଉ 5 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲାଜାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ସେ କାହାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଆଉ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ପାଳନ କରିବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରିତ୍ରାଣ ସମୟ ହେଇପାରେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ସେଇଦିନ ସେଇ ଲୋକକୁ କହିଲେ ଯେ ବତ୍ସ ତୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ଆଉ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ ଯେ ଏ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି ଆଉ ସେ କହୁଅଛି ଯେ ମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯଦି କାହାର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଲେ ପାପ ମୋଚନ କଲେ ସେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି କବରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେ ମିରାକଲ ୱାର୍କର ସେ ଅନେକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ମିରାକଲ ୱାର୍କର୍ସ ଅଟନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କାନାନଗରରେ ସେ ପାଣିକୁ ମାନେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯୌହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଯାଉଥିବାର ସମୟରେ ସେ ନୌକାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେଲା ତୋଫାନ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଲୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଠେଇବାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପବନକୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ସେ ମାନେ ପବନ ଶାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଝଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନେକ ବିଷ ଅନେକ ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଯିଏକି ବଧିର ଥିବା ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପୁଣି ଯିଏ ମୁକ ଥିଲା ତାକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷ ହୁଏତ ଏ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଦୁ ଟନା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର
विथ कॉन्फिडेंस जो कार्य कले केवल ईश्वर करते आेणुकोरी से ईश्वर अटंती तो अनेक मान आश्चर्य कार्य कर घटना गुड़िक आप जानते एंड इट विल नॉट देयर विल नॉट बी सफिशिएंट टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू ऑल इन डिटेल आश्चर्य कार्य करुथिबारे तो आमे तांको विश्वास करो जे से माने ईश्वर अटंते ऑल्सो हि इज द गिवर ऑफ लाइफ जोन लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 21 पद रे लेखा अछि जे हि इज द गिवर ऑफ लाइफ से लोकमान को जीवन देबार परमेश्वर अटंते आ सेटा जोन लिखित सुसमाचार तार 5 रे 21 रे लेखा अछि जेनो पिता जे प्रकार मृतमान को उत्थापन करी सजीव करते से प्रकार पुत्र मध्य जहा जहा को इच्छा श्रीमान को सजीव करते प्रेस द लॉर्ड प्रभु कर गौरव हो निश्चित भाव केते लोक कहते माने बैप्टिस्ट ब्रदर एंड आउ केते लोक माने प्रेस द लॉर्ड कहते नहीं बोलिके आम प्रेस द लॉर्ड कहबार समय अच्छे जो समय आम जन को उत्साहित करू से समय प्रेस द लॉर्ड कह किंतु प्रार्थना रे प्रेस द लॉर्ड कहबा ना जेतु आम ईश्वर को कहबा ना जे सदा प्रभु प्रशंसा कर बोलते प्रेस द लॉर्ड माने बा हालेलुयार अर्थ होचे सदा प्रभु प्रशंसा कर बा सदा प्रभु गौरव कर आउ ए प्रकार माने जेते बेला आम गोटे शुभ संवाद सुनी था से समय निश्चित भाव आम प्रभु प्रशंसा कर पारिबा तो प्रभु जीशु से लोक मान को माने जीवन दे पारते से सजीव करते पिता जे प्रकार लोक मान को उत्थापित करते सजीव करते ठीक से प्रकार प्रभु जीशु मध्य उत्थापित करते से कथा आम देखो स्थान स्पष्ट भाव लेखा अच्छे जेणु पिता जे प्रकार मृत मान को उत्थापन कर सजीव करते से प्रकार पुत्र मध्य जहा जहा को इच्छा से मान को सजीव करते से निजे कहले लाजार जिते मृत्युवरण करते से स्थान को प्राय 3 दिन पर जाते आई समय से माने मार्था को एक कथा कहते जे मु पुनरुत्थान और जीवन प्रभु जीशु से कथा कहले माने जोहन 11 अध्याय तार 25 पद कहले लेखा अच्छे जीशु ताहाको कहले मु पुनरुत्थान और जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिब पुणी जे केही बंचे ओ मोठारे विश्वास करे से कदापि केबे हे मरिब नाही एहा कोन विश्वास करू अछ दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिश्चियन वी बिलीव द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टुडे बिकॉज़ वी हैव द एश्योरेंस दैट वी विल लिव फॉरएवर वी विल बी विथ हिम फॉरएवर जदी बा जणे मरि जाय तथापि से बंचिब जे जीशु कठारे विश्वास करी अछ से मरिबो नाही से बंची अछि मोर प्रिय माने जे माने माने आमे जते जन जीशु को विश्वास करि अछु जद्यपि माने मरिबा तथापि आमे बंचिबा आ से रैप्चर स्टोरी जाके प्रथम करंथियो माने 15 अध्याय रे रिजरेक्शन विषय रे लेखा जाय स्पष्ट भाव रे जे चक्षु रो पलो करे जते लोक माने महानिद्रा प्राप्त होइ अछन्ते से माने उठिबे प्रथम थेसलोनिकियो तार 4 अध्याय तार 13-17 रे मध्य से कथा लेखा अछि जे जो माने महानिद्रा पाई अछन्ते से माने प्रत्येक उठिबे जे से जीवन देबार परमेश्वर जीवन दाता माने ही इज द गिवर ऑफ लाइफ ते लोकमान को जीवन दियंते ही गिव्स स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज द फिजिकल लाइफ फिजिकल स्पिरिचुअल लाइफ से हम प्रत्येक को दियंते से आत्मिक जीवन देबा पाई मध्य माने सक्षम अटंते से आम प्रत्येक को जीवित रखते आम तेणुक हस्त सुरक्षित अट मोर प्रिय माने हुए तो आम अनेक लोक मान कथा शुणी अच्छु अनेक मिशनरी अनेक पालक प्रचारक मान विशेषकर जो मैंने कि ख्रीष्ट सकाश से आपनार जीवन दे अच्छा से मैंने आपनार निज सुख छाड़ अन्य स्थान मान को जाए प्रभु सेवा कले आने जीवन दे आमकर कहीं जीवन देले बिकज दे हैड द एश्योरेन्स दैट विल बी रिजरेक्टेड वन डे आम जानू जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिष्य मैंने कि प्रकार मृत्युवरण कले क्या तो ओल्टा क्रुशर पितरंकर पर व्यक्ति को ओल्टा क्रुशर चढ़ागला क्या तो बीहेडेड करागला प्रेरित पावल को अन द वे टू रोम बोली कह जाए
মানে বিহেডেড করা যাইছিল এই প্রকার অনেক মানে বিষয় জানো কিন্তু সেমানে কাহিকি সে কথা কলে যে যদি আমি খ্রিস্টঙ্ক পাই মরিব আমি বঞ্চিব উই হ্যাভ দ্যাট অ্যাসুরেন্স উই বিলিভ ইন দ্য রিজারেকশন উই বিলিভ অন দ্য লাইফ আফটার ডেথ খ্রিস্টান লাইফ ইজ অ্যাবাউট দ্য লাইফ আফটার ডেথ নট মোর অ্যাবাউট দ্য লাইফ আফটার দিস ফিজিক্যাল লাইফ দ্যাট উই হ্যাভ দিস লাইফ ইজ সো শর্ট এটা কিছু কাল পাই কিছু দিন পাই আছে আর জনে লেখক সে এই কথা লেখন্তি যে দ্যার ইজ ওয়ান লাইফ সুন টু বি পাস্ট বাট হোয়াট ইজ ডন ফর ক্রাইস্ট উইল লাস্ট যে জীবন অছি তাহা কিছু ক্ষণ পাই অছি বহুত শীঘ্র চালি যাব কিন্তু যাহা আমি খ্রিস্টঙ্ক পাই করিছ তাহা হি রহিব মোর প্রিয় মানে যে জীবন অছি সে জীবন কো প্রভুঙ্ক ঠারে সমর্পণ করন্তু আর তাঙ্কর অনুগ্রহে বঞ্চন্তু তাঙ্কর সেবা গৌরব সকাশে বড়ন্তু পুনি সে হচ্ছে পুনরুত্থান যেমন তার 11:43 পদরে পুনে আমি পড়ুছ যে সে হচ্ছে পুনরুত্থান সে এহা কই উচ্চস্বরে কহিলে লাজার বাহারি আস মানে সেই দিন সে লাজারকু কোণ কলে পুনরুত্থিত হবার পাই দেলে তাঙ্কো সে কবরু ডাকিলে আর যেটাকে আমি 25 পদরে পড়িল মু পুনরুত্থান ও জীবন প্রভু যীশু লোক মানুষ পুনর্বার জীবন দিয়ে পারে সে যে প্রকারে পুনরুত্থিত হয়ে অনেক সেই প্রকারে আমি গোটে দিন পুনরুত্থিত হবা তাহা হচ্ছে আমার বিশ্বাস তাহা হচ্ছে আমার ভরসা আর তেণুকরি দ্যাট ইজ দ্য ইউনিকনেস অফ আওয়ার লর্ড জিজস ক্রাইস্ট সো কল্ড গড এন্ড গডেসেস আর দেয়ার যাহাকে আমি মানে বিশ্বাস করি নথাও অনেক লোক মানকর চিন্তাধারার সে কথা আছে যে সে মানে অনেকঙ্কু মানে তাঙ্কর দেবতা বা তাঙ্কর ঈশ্বর বলে সে মানে সম্বোধন করন্তি কিন্তু যেতে মানে বিষ্ণুঙ্কর অবতার কহু কি অন্য যেউ যাহার কথা কহু সে মানে মৃত্যুবরণ কলে কিন্তু কেহি মধ্য বঞ্চিলে নাহি কিন্তু প্রভু যীশু সে মরিবা পূর্বরু সে ভবিষ্যৎবাণী করিথিলে আর যেতবে সে অবশ্য মৃত্যুবরণ করিবে আর তৃতীয় দিবসরে সে পুনরুত্থিত হবে সেই বিষয় পূর্বরু সে প্রকাশ করিথিলে আর সে নিশ্চিত ভাবে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন দ্যাট ইজ দ্য ইউনিকনেস অফ ক্রাইস্ট দ্যাট ইজ ডিফরেন্ট ফ্রম অদর পিপল এই প্রকারে সে অনেক ঐশ্বরীয় কার্য করতে বা যে কার্য কেবল ঈশ্বর করিপারতি সেইটা সে করুবার হেতু তাঁকু আমি ঈশ্বর বলে প্রমাণিত করে থাকে আমি প্রমাণ কলে সে ঈশ্বর হবে তাহা নুহে মাত্র সে যে সমস্ত কার্য করতে সেপাই সে ঈশ্বর অটান্তি আপনার ঈশ্বর স্বরূপে গ্রহণ করিবার অছে কারণ সে আপনার সৃষ্টিকর্তা অটান্তি কারণ সে আপনার রক্ষাকর্তা অটান্তি কারণ সে আপনার প্রতিপালক অটান্তি সে আপনার পাপ সবু ক্ষমা করি অছন্তি আর সে আপনার জীবনে অনেক প্রকার অদ্ভুত কার্য করতে আর সে আপনার জীবন দিয়ে অছন্তি আর সে পুনে আপনার পুনরুত্থিত হওয়া পাই দেবে এই প্রকার কার্য অন্য কেহি করিপারতি না আজ আমি যীশুকে বিশ্বাস করিছ যেহেতু সে আমার প্রত্যেকঙ্কর ঈশ্বর অটন্তি খালি সেটিকে নুহে আমি তিনোটি বিষয় দেখি সারিছ যে তাঁকর নাম প্রমাণিত করে থাকে যে সে ঈশ্বর তাঁকর ঐশ্বরীয় গুণ প্রকাশ করে থাকে যে সে ঈশ্বর অটন্তি তৃতীয় বিষয় দেখলা যে তাঁকর ঐশ্বরীয় কার্য প্রমাণ করে থাকে যে সে ঈশ্বর অটন্তি আর অবশেষে চতুর্থ বিষয় আমি যাহা দেখিবা যে তাঁকু যে উপাসনা বা আরাধনা দিয়া যাই থাকে তাহা প্রমাণ করে থাকে যে সে ঈশ্বর অটন্তি আর সেইটা আমি দেখিবা বিশেষ করে বাইবলরে লেখা আছে কতক অংশরে যে কেবল ঈশ্বর উপাসনা পাইবা পাই যোগ্য কেবল ঈশ্বরকু লোক মানে উপাসনা করিবে ঈশ্বরকর প্রশংসা করিবে তাহা ছড়া অন্য কাহারিকো সেমানে উপাসনা করিবে নাহি আও যে সময়ে প্রভু যীশু খ্রিস্ট পরীক্ষিত হলে সেই সময়ে সে পুরাতন নিয়ম রো সেই কথা স্পষ্ট ভাবে কহিলে মাথেয় লিখিত সুসমাচার তার 4:10 কহিলে যীশু তাহাকে কহিলে দূর হ শয়তান কারণ লেখা আছে তুমে প্রভু আপনা ঈশ্বরকে প্রণাম করিব পুনি কেবল তাহাঙ্কর উপাসনা করিব তো প্রভু যীশু সেই দিন স্পষ্ট ভাবে কহিলে যে কেবল ঈশ্বরকে প্রণাম করিব আর কেবল তাহাঙ্কর
उपासना करिबो ताहांको छोड़ा कहारिको उपासना करिबो नाही। से कथा द्वितीय विवरणी 6:13 रे लेखा अछे आउ सेटा आमे पढ़ेबा। द्वितीय विवरणी 6:13 रे प्रकार लेखा अछे तुम्हे सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वर को भय करिबो तुम्हे ताहांकर सेवा करिबो ओ ताहांको नामरे शपथ करिबो। पुणे अन्य अंश गुड़ी करे मध्य से कथा लेखा अछे जहां आमे देखिता से द्वितीय विवरणी 10:20 आमे पढ़ीबा। द्वितीय विवरणी 10:20 आउ तहिरे प्रकार लेखा अछे तुम्हे सदा प्रभु आपणा ईश्वर को भय करिबो ताहांकर तुम्हे सेवा करिबो ओ ताहांक ठारे तुम्हे आसक्त हेबो पुणि ताहांक नामरे तुम्हे शपथ करिबो ताहांकर उपासना केवल ईश्वरंकर उपासना करिबो केवल ईश्वरंकर सेवा करिबो केवल ईश्वरंकर ईश्वरंकु प्रणाम करिबो। सेई कथा माने पुरातन नियम रे स्पष्ट भाबरे लेखा थिला जाकि प्रभु जीशु माने निजे शैतान को उत्तर देबार समय रे से कथा से कहिले। आउ आमे देखो जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कोण ना लोकमानकर द्वारा से उपासना पाइथिले विशेष करे आमे देखिबा जोटा के जोहन तार 5:23 मोर सहित खोलंतु जोहन 5:23 तेरे प्रकार लेखा अछे जे पुत्र को समादर करे नहीं से ताहांकर प्रेरणाकर्ता पिता को मध्य समादर करे नहीं जे पुत्र को समादर करे नहीं से ताहांकर प्रेरणाकर्ता पिता को मध्य समादर करे नहीं। पुणे आहुरे जो अंश अछे जोहन तार 9:38 आमे देखिबा जोहन 9:38 पुणे से स्थान लेखा अछे सेथिरे से कहला प्रभु मु विश्वास करे अछे आउ से ताहांकु प्रणाम कला। इस स्थान रे जो शब्द अछे आउ से ताहांकु प्रणाम कला एंड ही वर्शिप्ड हिम बोले लेखा जाए इंग्राजी रे वर्शिप्ड हिम माने तांकर उपासना कला। प्रणाम बेले आमे नमस्कार करिवार कथा बुझुचो बा जणको सैल्यूट करिवार विषय आमे बुझुचो किंतु ओडिया रे से कथा प्रणाम बोले लेखा जाय अछि किंतु इंग्राजी रे आमे जदि देखिबा इंग्राजी बाइबल रे ही वर्शिप एंड ही वर्शिप्ड हिम बोले लेखा जाय। आउ तने करे प्रभु जीशु से लोकमान को ठारो से उपासना पाइले आराधना पाइले से कथा आमे देखु स्पष्ट भाव रे जे बाइबल प्रमाण करे अनेक स्थान रे तांकर उपासना आराधना लोक माने करि अछन्ते। द्वितीय तिमोथी 4:18 आमे पढ़िबा द्वितीय तिमोथी 4:18 तेरे प्रकार लेखा अछे प्रभु मते समस्त मंद कर्म रो उद्धार करिबे एवं मते रक्षा करे अपना स्वर्गीय राज्य रे प्रवेश कराइबे जुगे जुगे ताहांकर महिमा हेउ आमेन। माने एटा जुगे जुगे ताहांकर महिमा हेउ केवल गोटे मुहूर्त पय नहि गोटे समय पय नहि बट ही विल बी ग्लोरीफाइड फॉर एवर सीटा स्पष्ट भाबरे माने प्रकाश करा जाय जे प्रभुंक उपासना करिबा बा आराधना करिवार विषय बाइबल रे स्पष्ट भाबरे लेखा जाय अछि सेतिक नहि मात्र तांको से स्वर्गदूत माने मध्य तांकर उपासना करथिले जोटा के आमे एवरी मानकर निकट को पत्र तार 1:6 आमे पढ़ीबा एवरी 1:6 रे लेखा अछे पुणि जो समय रे से प्रथम जातन को पुनर्बार जगत मध्य रे प्रवेश कराइबे सही समय को लक्ष्य करी से कहते ईश्वरंकर समस्त दूत ताहांको प्रणाम करंतो ईश्वरंकर समस्त दूत ताहांको प्रणाम करंतो माने let all the angels of God the detail study kari nai se word pranam ra mane odia re mosate mane study kari nai hue to tar bhav thai pare kintu ingraji te that becomes so clear to me worshiping God upasana kariba aradhana kariba tankar mahima kariba se bishay ko prakash kari thai au sei sthan re
माने एवरी एक रे से कथा लेखा अच्छे जे ईश्वर समस्त दूत ताहा को प्रणाम करंतो। मोर प्रिय माने देयर इज नो अदर हु रिसीव सच थिंग एज क्राइस्ट डिजायर टू रिसीव। से हम प्रत्येक को माने प्रेम करूथिबार हेतु से हम प्रत्येक को निमन्ते अपना जीवन देले। प्रथमे तो से हमको सृष्टि करि अछंती आम से तत्व नियंति से आमको सुरक्षित रखी अच्छा पुणे आम जो पापरे आम शत्रु थत्वे आम प्रत्येक निम्ते से कृषार्पित हेले अपना पवित्र रक्त देले पाप मोचन कले आई स्थान से पुणी प्रायश्चित कले जे ए पिता इनको क्षमा कर कारण इन कौन करूँ जानते ना पुणी से आम प्रत्येक निम्ते मृत्युवरण कर कबरस्थ हेले आ पुणे तृतीय दिवस मृत्यु को जय कर खाली से नुहे से वर्तमान पिता दक्षिण पार्श्व उपवेशन करे हम प्रत्येक निम्ते निरंतर से प्रार्थना करूँगी आम कि प्रकार आंशिक भाव नुहे जमती मो आरियस कथा कहले आरियस बोली जन व्यक्ति जी के माने 400 ख्रीष्टाब्दरे थिले आ 400-500 ख्रीष्टाब्द मध्यरे बाय द एंड ऑफ द फोर्थ सेंचुरी एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी ही वाज देयर आ से व्यक्ति कौन के से आंशिक भाव रे ईश्वर आ आंशिक भाव रे मनुष्य बोले कहते वर्तमान केते का लिबरल्स टीचिंग देवा लोक माने अछंति रिफॉर्मेशन समय रे मध्य से समय रे एसबीएस बोली जने व्यक्ति थिले जे कि मैंने प्रभु ख्रीष्टंकर माने ईश्वरता को से अस्वीकार करथिले पुणे आहरे अनेक माने लिबरल्स टीचर माने क्लियर मेचर रिचेल ए प्रकार अनेक लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को संपूर्ण भाव ईश्वर बोली से माने तांको ग्रहण करि पार नथिले यदि बा से माने ख्रिश्चियन बोली निज को परिचित करूथिले तथापि से माने ख्रीष्ट को माने ईश्वर बोली ग्रहण करि पार नथिले जने बाइबल पढ़िला बा प्रभु को ठारे प्रार्थना कला ता यथेष्ट नुहे किंतु हुए तो आमर मन मध्य बेले बेले प्रश्न उठी पारे जे प्रभु जीशु प्रकृत ख्रीष्ट अटंते किंतु मोर प्रिय माने से विषय नहीं आम कई के सन्देह करिवार नाही आम संपूर्ण भाव जानवा प्रभु जीशु ईश्वर बनी नहांती बातांको ईश्वर बना जाए ना जे प्रकार जो लोक माने तांकर ईश्वरता को अस्वीकार करी थांती से माने कहंती जे जीशुंकर शिष्य माने तांको ईश्वर बनेले प्रकृत रे से ईश्वरंकर पुत्र थिले आ जीशुंकर शिष्य माने तांको माने ईश्वर बनेले बोली कहंती जदि से प्रकार होई थांता ताहले आज माने प्रकृत रे जदि ख्रीष्ट माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर होई न थांते आउ जदि से प्रकृत रे पुनरुत्थित होइना थांते जदि से जीवित न थांते आज एई चर्च तांको पाए छिडा होइना थांता हमें जानो जे जो समय प्रभु जीशु कृषार्पित हेले मृत्युवरण कले तांकर शिष्य माने पुनर्बार अपना प्रीवियस प्रोफेशन को से माने फेरी जाइथिले किंतु प्रभु जीशु से पुनरुत्थित जीशु को देखि से माने कोण कले तांकर ठारे विश्वास कले आउ क्षमा परे व्यक्ति जे कि तां बहुत संदेह करथिले तांको से प्रभु आ ईश्वर मोहर प्रभु मोहर ईश्वर बोली तांको संबोधन कले आ इंडियन चर्च हिस्ट्री रे आमे जानो जे थोमा होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से शिष्य जे आमर परे देश को आसे माने प्रभुंकर से सुसंवाद आनीथिले सुसमाचार आनीथिले जद द्वारा के आमर देशर अनेक लोक जीशुंको जानी पारथिले से समय रे मोर प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट संपूर्ण भावरे ईश्वर अटंती आउ से विषय नहीं कहार मन में कौन सन्देह रहीबार कथा ना जदि के कौन से प्रश्न उठू हुए तो मोर पाख को फोन करें आम से विषय नहीं कथा वार्ता करवा आम बाइबल रु शिखा यहाँ नुह जो समस्त विषय जानी अच्छी मो समस्त विषय आपण मानक कनभीन्स करुहे आम समस्ते शिखार लोक कितु प्रभु आम प्रत्येक को से कथा जाणी रखाप दिंत जे प्रभु जीशु संपूर्ण भाव ईश्वर तो आम गत काली आउ आज देख लो जे तांकर नाम प्रमाण करिथाय से ईश्वर तांकर ऐश्वर्य गुण प्रकाश करिथाय जे से संपूर्ण आवरे ईश्वर अटंती तांकर ईश्वरीय कार्य जे से हम प्रत्येकंकर क्रिएटर सस्टेनर फॉरगिवर मिराकल वर्कर गिवर ऑफ लाइफ
और हम जानो जैसे हमर रक्षा करता से हमर सृष्टि करता हमर प्रतिपालक आओ से हमर पाप क्षमा करे आओ से समस्त विश्व से हमर जीवन रे करन के तेनु करे हमें कौन करबा तांकर थारे हमें चिर कृतज्ञ हेबा आज प्रभु आज हम ठार कौन से छाग के बा मेष से आशा करू नहांती मात्र से हम ठार केवल गोटे विश्व से आशा करंती जे वी शुड गिव थैंक्स टू हिम थैंक्स गिविंग माने कृतज्ञतार हृदय ने जत कृतज्ञतार भेटी नहीं छामु को उपासना आराधना करी पारिबा मे गॉड ब्लेस यू ऑल दैट यू विल लिव ए ग्रेटफुल लाइफ एंड यू विल कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड एंड एक्नॉलेज जीसस एज योर गॉड एंड लॉर्ड ऑफ योर लाइफ मे गॉड ब्लेस